दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। 12 मार्च 2020 से साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और साउथ अफ्रीका आपस में 3 मैचों की बहुत ही शानदार वनडे सीरीज खेलने वाले हैं। और इस वनडे सीरीज के लिए फाइनली दोनों ही टीमों के स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जहां पर BCCI ने भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। और इस वीडियो में हम इन दोनों ही टीमों के स्क्वाड्स को हर पहलू से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सी टीम है खतरनाक, कौन सी टीम इस वनडे सीरीज को जीत सकती है। सभी के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को पूरी तरह से हराए, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते इस सीरीज के शेड्यूल एंड वेन्यूज की, तो इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 12 मार्च को धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा वनडे मुकाबला 15 मार्च को लखनऊ के मैदान पर खेला जाएगा, उसके बाद तीसरा व अंतिम वनडे मुकाबला 18 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जाना है। टाइमिंग की हम यहां पर बात करते हैं तो भारतीय समय अनुसार ये तीनों ही वनडे मुकाबले दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के स्क्वाड्स की, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि BCCI ने सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। बात करते हैं कंपैरिजन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल्लेबाजों की, तो 6 बल्लेबाजों के साथ यहां पर इस सीरीज में भारतीय टीम उतरने वाली है, जो है शिखर धवन, पृथ्वी शो, विराट कोहली, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। वहीं हम बात करते हैं टीम साउथ अफ्रीका की, तो अफ्रीका की टीम यहां पर 5 बल्लेबाजों के साथ उतरने वाली है, जो है टेम्बा बूमा, रशि वेंडरडसन, फाफ डुप्लेसिस, डेविड मिलर और जेनेमन मलन। और यहां पर बल्लेबाजी के मामले में थोड़ा सा पलड़ा हैवी यहां पर है भारत का, क्योंकि शिखर धवन और विराट कोहली ने यहां पर थोड़ी मजबूती जरूर दे दी है, जिसके सामने अफ्रीका के बल्लेबाज थोड़े से वीक पड़ने वाले, यानी बल्लेबाजी के मामले में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो यहां पर भारतीय टीम 2 ऑलराउंडर्स के साथ उतरने वाली है, जो है हार्दिक पांड्या और रविंदर जडेजा। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम यहां पर 3 ऑलराउंडर्स के साथ उतरने वाली है, जो है जे समर्ट्स, जॉर्ज लिंडे, एंडिले फुलकवाई। और यहां पर ऑलराउंडर्स के मामले में भी भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा सा हैवी जरूर है, क्योंकि हार्दिक पांड्या फिलहाल करियर की बेस्ट फॉर्म में है। वहीं दूसरी तरफ रविंदर जडेजा भी भारतीय टीम के लिए लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो यहां पर ऑलराउंडर्स के मामले में भी भारतीय टीम अफ्रीका के ऊपर हैवी पड़ने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स की, तो भारतीय टीम यहां पर 2 विकेट कीपर्स के साथ उतरने वाली है, जो है केएल राहुल और ऋषभ पंत। वहीं अफ्रीकन टीम यहां पर 3 विकेट कीपर्स के साथ उतरने वाली है, जो है क्वेंटम डिको, काइल वेरियन ने और हेनरिच कलासिन। और विकेट कीपर्स के मामले में थोड़ा सा पलड़ा यहां पर हैवी अफ्रीका का, अफ्रीका के विकेट कीपर भारतीय विकेट कीपर्स के कंपैरिजन में थोड़े से अच्छे यहां पर जरूर है, क्योंकि क्वेंटम डिको ने उनके विकेट कीपर्स को बहुत ही ज्यादा मजबूती दे दी है। उसके बाद हम बात करते हैं गेंदबाजों की, तो भारतीय टीम यहां पर 5 गेंदबाजों के साथ उतरने वाली है, जो है भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी और कुलदीप यादव। वही हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका की टीम भी यहां पर 5 गेंदबाजों के साथ उतरने वाली है, जो है लुंगी एंगिडी, लुथो सिपामला, बैरून हेंड्रिक्स, हेनरिच नोर्टजे और केशव महाराज। और यहां पर गेंदबाजी के मामले में जो कंपैरिजन करना है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही टीमों की गेंदबाजी की स्ट्रेंथ लगभग बराबर है, दोनों ही टीमों की गेंदबाजी बराबर है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो यहां पर इस सीरीज में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के ऊपर हैवी पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम जीतेगी इस वनडे सीरीज को, भारत या फिर साउथ अफ्रीका? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।